Assalamu alaikum and welcome everyone on my YouTube channel. आज साइप्रस सीरीज की चौथी वीडियो है. इससे पहले मैं निकोसिया, लार्नाका और आयनापा के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ और आज जिस जगह पे मौजूद हूँ मैं उसका नाम है प्रोथरस. ये एक रिजॉर्ट टाउन है और ये पारालिमनी म्यूनसिपैलिटी के अंडर आता है और ये मशहूर है अपने बीचेस और फिग ट्री बे की वजह से. प्रोथरस के बीचेस का पानी बहुत साफ और क्लियर है और सैंडी बीचेस हैं ये. इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो आयनापा के साउथ वेस्ट में 10 किलोमीटर के फासले पर है, यानी ये आयनापा से कुछ ज्यादा दूर नहीं है. और ये रिजॉर्ट जो है ये आयनापा की सक्सेस के बाद इसको बिल्ड किया गया था. इसमें बहुत सारे होटल्स, अपार्टमेंट, विलाज और रेस्टोरेंट्स, पब्स वगैरह बहुत ज्यादा है यहाँ पे भी. लेकिन ये आयनापा की तरह इसमें बहुत ज्यादा शोर वोल ये चीजें ज्यादा नहीं है, ये क्वाइटर है उससे. लेकिन इसमें ये है कि ये फैमिलीज के लिए बहुत बेहतरीन जगह है और यहाँ पे कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट इतने ज्यादा कंपैरेटिवली नहीं होते. यहाँ पे जो टूरिस्ट मोस्टली होते हैं वो है साइप्रस के अपने लोकल सुप्रियोर्स जिनको हम कहते हैं. इसमें क्लब्स भी कंपैरेटिवली कम ही है आयनापा से. और इसकी एक और जो वजह है मशहूर होने की वो इसके ड्राइविंग डेस्टिनेशंस है, यानी स्कूबा डाइविंग के लिए या इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं. और इसके लिए जो सबसे मशहूर जगह है वो ग्रीन बे है. ग्रीन बे सबसे कहने के पॉपुलर डाइविंग साइट है. तो ये जो कहने के ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन था इसके बारे में, प्रोथरस के बारे में. तो बाकी हम चलते हैं आगे और देखते हैं इसकी जो बाकी जो चीज़ें हैं, यानी कि इसका मैं थोड़ा सा आपको ये मार्केट, ये लिडल है मेरे पास मेरे राइट साइड पे, उसका मैं विजिट करने लगा. उसके बाद हम बीच पे जाएंगे और जो वो जो सारा रास्ता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. क्योंकि ये सुबह का टाइम तकरीबन मेरा है 10-11 बजे का टाइम है. गर्मी बहुत ज़्यादा थी और अभी कोई सड़कों पे या रेस्टोरेंट्स वगैरह ये भी तकरीबन ये सारे बंद थे. चलिए चलते हैं आगे से देखते हैं इस वीडियो को. जी मैंने लिडल से चीज ली है, ये देखें ये क्या दिया मैंने लिडल से, ये लस्सी है जी. मैंने चेक किया टेस्ट इसका अच्छा, इसमें योगर्ट मिल्क और वो लिडल से मैंने पूछा था वो कहने इसके अंदर लेमन भी है और मिंट भी है. मैंने थोड़ा सा पी के चेक किया, द टेस्ट इज रियली गुड. करता व्यू वो नीचे समंदर है. सो फ्रॉम दिस साइड, इस साइड से मैं आया हूँ अभी वापस.
गर्मी काफ़ी है, टेम्परेचर इट विल बी अराउंड 30 के पास होगा, लेकिन अभी टाइम हुआ है तकरीबन सुबह के 11। मौसम ज़्यादा गर्म हो रहा है, अभी धूप जोरों पे है। एक छोटा सा चर्च लग रहा है, और ये जैतून के दरख्त है। अगर खास करके दिखाऊं तो छोटे छोटे लगे हुए, अभी सीजन का स्टार्ट होने वाला, शायद आपको नजर आ सके। ये देखो छोटे छोटे लगे हुए, ये भी ग्रीन है, इसको टाइम लगेगा जब ये पकेंगे तो फिर ये दृश्य उतारेंगे। ये बीच है साथ ही, तो ये वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, अभी चलते हैं उधर, अगर हो सका तो कुछ दिखाऊंगा मैं आपको वीडियो की शक्ल में। ये टूरिस्ट एरिया, यहाँ से आप कार वगैरह ये चीज़ें हायर कर सकते हैं। थिंक इधर से कोई रास्ता नीचे नहीं जाता, सो आई हैव टू गो बैक।
ये रास्ता बीच पे जाता है कि नहीं, we have to check it first. Oh, here is a beach. Look at the view here. आखिरकार जी हम बीच पे पहुंच गए. ये नीचे सारा बीच है. यहां से आप लुक एट द व्यू. ये देखो सारे होटल्स हैं बीच के ऊपर बहुत दूर तक. होटल्स ही होटल्स हैं. ये थी मेरी आज की वीडियो. उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे. थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन. बाय बाय.